अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान ख़ान और आप देख रहे हैं YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सैमसंग गलेक्सी A54 स्मार्टफोन के बारे में बात करूंगा, जो कि एक सैमसंग ब्रांड में महंगे फ़ोन की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही पावरफुल फ़ोन है और काफ़ी मज़ेदार सा फ़ोन है। तो इस वीडियो में मैं इस स्मार्टफोन के प्राइस, स्पेक्स और फीचर्स की बात करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले इस फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर एंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। तो जो सैमसंग का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वन यूआई 5.1 इसके अंदर अपना इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों, इस मोबाइल का जो वेट है वो 202 ग्राम इसका वेट है। तो जो सिम इसके अंदर ऑप्शंस हैं वो हाइब्रिड, डुअल सिम, डुअल स्टैंड बाई इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। तो दोस्तों, अब इसके नेटवर्क यानी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये फ़ोन 5G फ़ोन है। तो दोस्तों, अब इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर जो है बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है, ऑक्टा कोर 2.4 GHz और जो दूसरा प्रोसेसर है वो 2.0 GHz इसके अंदर मौजूद है। तो जो इसका चिपसेट है वो एक्जीनोस 1380 इसका जो है वो चिपसेट मौजूद है। तो दोस्तों, इस फ़ोन में जो ग्राफिक प्रोसेसर है वो माली G68MP5 इसके अंदर जो है वो ग्राफिक्स प्रोसेसर मौजूद है। तो इसके डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर जो है वो काफ़ी लेटेस्ट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी गई है, सुपर एमोल्ड कैपेसिटिव स्क्रीन इसके अंदर जो है वो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी गई है। तो जो इसकी डिस्प्ले की प्रोटेक्शन इस जो इसके अंदर है वो कॉर्निंग ग्रीला ग्लास इसके अंदर डिस्प्ले प्रोटेक्शन दी गई है। तो जो इसका डिस्प्ले का साइज़ है स्क्रीन का वो 6.4 इंचेस इसका स्क्रीन साइज़ है। तो दोस्तों, इसकी मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में दो वेरियंट पाकिस्तान में अवेलेबल है, जिसमें 128 GB जो है वो 6 GB रैम के साथ है और जो टॉप वेरियंट है वो 256 GB मेमोरी और 8 GB रैम के साथ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, आप इसके अंदर जो है वो माइक्रो SD कार्ड अप टू 1 TB भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसका मेन फीचर जो है वो कैमरा, तो इसके अंदर जो है वो क्वाड कोर कैमरा मौजूद है, जिनकी टोटल रेजोल्यूशन मिलाकर 50 MP बनती है। तो जो इसका फ्रंट कैमरा है वो भी काफ़ी पावरफुल दिया गया है, 32 MP इसका सेल्फी कैमरा है 4K वीडियो रेजोल्यूशन के साथ। तो जो इसके कैमरा फीचर्स हैं वो पैनारामा वीडियो है, फेस डिटेक्शन है और 4K वीडियो इसके अंदर जो है वो दोनों कैमरों में, इनके मेन और फ्रंट दोनों कैमरों में 4K वीडियो ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, इसके जो कनेक्टिविटी फीचर्स हैं वो वाईफाई, डुअल बैंड, हॉटस्पॉट इसके अंदर वाईफाई फीचर है। तो जो इसके अंदर ब्लूटूथ है वो भी लेटेस्ट दिया गया है, वर्जन 5.3 वर्जन इसके अंदर ब्लूटूथ का दिया गया है, यानी कि ये जो लेटेस्ट वर्जन है ना, ये एयरपोड्स और एयरबड्स वगैरह जो है उन्हें कनेक्टिविटी में आसानी होती है। तो इसके अंदर जो है वो USB टाइप कनेक्टिविटी भी मौजूद है, NFC स्पॉट भी इसके अंदर मौजूद है। तो दोस्तों, अब इसके सेंसर फीचर्स की बात करें तो जो फिंगरप्रिंट सेंसर फीचर है वो अंडर द डिस्प्ले ऑप्टिमल दिया गया है और इसके अलावा जो है कंपास, गायरो जैसे सेंसर फीचर्स मौजूद हैं। तो ऑडियो में जो है वो स्पीकर फोन और 3.5 mm ऑडियो जैक इसके अंदर दी गई है। तो दोस्तों, इसके जो मैसेजिंग फीचर है उसमें SMS है, MMS, ईमेल, पुश ईमेल जैसे मैसेजिंग फीचर इसके अंदर मौजूद है। और जो इसके अंदर गेम्स हैं वो बिल्ट इन भी हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी कि ये एक गेमिंग फ़ोन भी है। तो गेमिंग इसके अंदर आप काफ़ी हैवी गेम्स लाइक PUBG और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स जो हैं वो आप इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और बड़े आराम से खेल भी सकते हैं, ये फ़ोन हैंग भी नहीं होगा। तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं तो वाटर प्रूफ भी है और डस्ट प्रूफ भी है, यानी कि ये मिट्टी और जो है पानी में जो है अगर ये काफ़ी दिन पड़ा रहे तो इस मोबाइल को कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, अब इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो 5000 mAh की बैटरी दी गई है और जो इसके अंदर फास्ट चार्जिंग फीचर दिया गया है वो 25 W का इसके अंदर फास्ट चार्जिंग फीचर दिया गया है, जो मेरे हिसाब से कम है, यानी कि ये आपका जो है वो 50 से 55 मिनट में आपका कम्प्लीट मोबाइल चार्ज करेगा, यानी कि मेरे हिसाब से कोई इतना फास्ट चार्जिंग फीचर नहीं है।
तो अब इसकी मेन चीज़ प्राइस की बात करें तो ये इस वक्त पाकिस्तान में 1,70,000 रुपये में जो है वो इसका टॉप वेरिएंट अवेलेबल है। तो इस प्राइस में जो है वो आपको एक बेहतरीन फ़ोन है, यानी कि फास्ट फ़ोन है विद पावरफुल प्रोसेसर और 50 मेगापिक्सल कैमरा और गेमिंग फ़ोन, यानी कि ये आपका एक कैमरा फ़ोन भी है और गेमिंग फ़ोन भी है इस प्राइस में। ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस है, लेकिन इस प्राइस में आपको एक कैमरा और गेमिंग फ़ोन भी मिलता है। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।